काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जब भगवान बोलते हैं कि इसको नष्ट कर दो, तब आप नष्ट नहीं कर पाते उसको। क्या कोई भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को नष्ट कर पाया है? एक उदाहरण दो जिसका, भगवान का भी, जिसका काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नष्ट हो गया। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के पुतले हैं आप, और आप इन चीजों को कंट्रोल में कर सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते। और अगर आपने इन चीजों को कंट्रोल में नहीं किया तो क्या हो जाएगा? आप बदसूरत हो जाओगे। तो लेडीज के लिए बदसूरत होना अफोर्ड नहीं कर सकती। लेडीज अफोर्ड कर सकते हो क्या? हम तो ब्यूटी है यार, हम ब्यूटी है, हम नहीं रहेंगे तो क्या है? दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। तो हमको कितना ब्यूटीफुल रहना चाहिए, और ब्यूटीफुल फिर बोलेंगे मेरा क्या है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब क्या है यार, शादियां हो गई, बहू आ गई। अब वो बहू तो ताने मारती रहेगी, सास को देखो पैंट पहनी मेरी सास। अरे यार इसका तो बोलते हैं पंजाबी में एक मिसाल और बोलते हैं, बोलते हैं सास को मटकनी पे बहू दा की सिंगार। सास अगर मटक रही है तो बहू का कोई सिंगार ही? अरे ऐसा क्यों, सास इंसान नहीं है क्या? सास इंसान है ना, लेट सास लिव हर जिंदगी। सास क्यों नहीं अपनी जिंदगी जिएगी? और अगर सास ने सबको देख के अपनी जिंदगी जीनी बंद कर दी है तो सबसे बड़ी बेवकूफ औरत। वो क्या करेगी, वो सुबह उठकर अपना बाल ऐसे बांध डालेगी। She will not care के तेरा ऐसे ऐसे भी बाल होते हैं ना, तेरा कटिंग वटिंग करा ले तो अच्छी लगेगी यार बूढ़ी। कभी कोई बोलता ही नहीं बुड्ढी को, तू भी बाल कटा गया? क्यों बोलते हैं, क्यों इतना आगे? नहीं मैं बाल कटा सकती हूँ, मैं 6000 रुपए दूंगी बाल कटा के, बुढ़ी के नहीं जाए। हाँ वो बुढ़ी को ही लाल लगाओ आपके। मैं आज आपको एक प्लस एक पॉजिटिव वो देके जाती हूँ। आप किसी भी उम्र में जो पहनना है, आप मोटे हैं पतले हैं, आप जैसे भी हैं, आप बहुत सुंदर हो। जैसे ही आप रियलाइज करते हो कि आप बेहद खूबसूरत हो, बस कोई है ही नहीं। और जब आप इतने सुंदर हो तो आपका मन भी सुंदर होना चाहिए। और मन अगर जलन गुड़न में हुआ तो आपका चेहरा खराब हो जाएगा, ध्यान में रखना, झुर्रियां आ जाएंगी, आपके नीचे गड्ढे हो जाएंगे, है ना। तो करना है मेडिटेशन, इन्होंने मुझे कहा था अंशुल जी ने, बहुत मेडिटेशन सिखाया मैंने, मैंने आपका नीचे प्लीज मेडिटेशन की बात मत करना। आई नो यार, इतना ज्यादा व्हाट्सएप पे, इतना ज्यादा इंटरनेट पे जानकारियां हैं, कौन है, गूगल करो गूगल देता है। तो गूगल आपको सब बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। फलानी गोली डॉक्टर ने दी तो डॉक्टर खुद कॉन्शियस है आजकल की, उसको गोली देने के बाद ये चेक करेगा गूगल। तो गूगल पे आप जब सब कुछ जानकारियां आपको मिल जाती है, गूगल पे सब मिल जाता है, तो व्हाई देन काम नहीं करना? काम नहीं करना आपके सामने 58 साल की खूबसूरत होकर खड़ी हो गई, ये आपके लिए मोटिवेशन है। काम नहीं करना आपके सामने गाएगी नाचेगी, ये मोटिवेशन है कि नहीं? और आप मेरे साथ नाचोगी गाओगे, है ना। तो एंजॉयमेंट जिसको बोलते हैं, enjoyment of life, enjoyment realization of life, what is that actually, what does it mean? It means ehsaas hona, aabhaas hona, realization hona. Kya realize nahi karte hain? Neem se uthte hain, charo taraf ek mand mand hawa chal rahi hoti hai, phoolon ki khushbu agar aapne balcony mein lagaye hain, cactus agar hain to kuch nahi ho sakta. Isse agar aapne phoolon ki khushbu aapke naak mein ghus rahi hai और आप एंजॉय कर रहे हो उसको, सुबह चाय की प्याली है साथ में तला फला खा रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने बादाम और अखरोट ले लिए हैं, कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, तो शायद आपका स्किन चलते हैं। और फिर सुबह सुबह आपने उसको एंजॉय किया मस्ती से, अपने गुजराती लोगों के घरों में झूले लगे होते हैं तो क्या बोले, गोपाल की तरह झूलते रहे, झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एहसास है।
एहसास है कि सूरज उगा है, एहसास है कि कलियां खिली हैं, एहसास है कि यह हवा कितनी अच्छी है। बस सला हवा किसको पता चलती है, उसको पता चलती है जिसको ऐसा मन होगा। सॉरी नहीं, अरे यार सॉरी बोलो तो गड़बड़ हो जाए। हंसो, प्रॉब्लम क्या है आपकी बात आप रहे सॉरी जो बोलो उसमें बता। हंसने के लिए आप लाफ्टर क्लब जाएंगे। हंसने के लिए लाफ्टर क्लब जाने की जरूरत है? तो अपनी बहू को सच सच के दिखा के हंसो। एंजॉय करो, एहसास करो कि सूरज निकला है और सूरज बहुत प्रीटी है। मुझे हाथ ऊपर करके बताइए कि ये कौन मेडिटेशन सूरज के सामने करता है। जब सूरज उदय होता है, वेरी गुड, नेवर इन लाइफ, वेरी बैड, बस बस अगर आप सुबह उठते हो, कहते हैं जब सूर्य उदय होता है उस टाइम, देखिए पेपर में दिया होता है टाइम, अब तो गूगल पे दिए होते हैं टाइम। जब आप सुबह उठते हो, यार मैं बोरिंग हो गया, तो आपने कभी रियलाइज किया है अभी जल धरती वायु आकाश से पूरा बना नेचर और हम भी उससे बने हुए हैं, बट वो चल रहा है निरंतर और हम चलते नहीं, हमारे पेट बड़े हो जाते हैं, है ना, हम जा रहे हैं एशिया को अमेरिका जाते हैं, है ना, पेट बड़े हो जाते हैं, इतना अपना मुंह हो जाता है पिछवाड़ा, है ना, सॉलिड एकदम। तो यार पैंट पूरी नहीं आ रही है, ऐसी है कि तुम्हारे साइज की हंडी नहीं मिलती है। अगर आपने वाकई सिंसियरली मेरा टॉन ले लिया, तो अगले साल जब मैं फिर यहाँ आऊंगी तो ये रैचिट दिखेगी। मैं कामिनी हूँ यार, बट जो जैसा है वो रैचिट है। अगर आप पतले हो सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पतले नहीं हो सकते तो आपके पति को पसंद हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पति को नहीं खुद को बहुत पसंद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो खुद को तो पसंद हूं मैं, आई लव माय सेल्फ, यू आर माय फेवरेट। तो बोलने का मतलब ये है, क्या कहने आपके काले, क्या बिंदी लाल के ऊपर काली। अब मुझे बात करें, ये जो जीने की उमंग है, ये जब इंसान में खत्म हो जाती है जीने की उमंग, तो वो वेजिटेबल हो जाता है, वो इंसान नहीं रहता। फिर वो हर बार बोलता है यार वो मर गया, मैं उधर स्यापे पे जा रहा हूँ, वो जा रहा है मैं चौथे। अरे जब आप चौथे गए, आप जब क्रिया पे गए, तो वहां से आपको हंस हंस के आना चाहिए, आपको खूब रियलाइज करके आना चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ ही, और फिर होने वाला तो उसके मैंने जी क्यों मानू, मैं हंस क्यों मानू, क्यों ना हंसू। कहते हैं कि आप कितना लंबा जिए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है कि कितना कैसे जिए, कितना खुश रहे, कितना खुश रहे आप। कामी करना इज वेरी अननोन टू यू, देन आल्सो आई एम एंजॉयिंग विद यू। Yes. तो आपने इस आनंद के भीतर अगर प्रभु को तलाश किया, तो वो सच्चिदानंद घन परमात्मा की जो मूर्त है, वो अपने आप में एक आनंद मूर्ति है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके चेहरे पे एक बड़ा वाला स्माइल आता है,
आता है कि नहीं? Yes! तो वो स्माइल कहां से आता है? क्योंकि जो आप मंदिर मंदिर जाके भगवान को ढूंढ रहे थे वो कहीं नहीं था, वो आपके अंदर था। आप अपने परमात्मा को साथ लिए घूम रहे हो। यू नो दैट, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो मैं हंस रही हूँ, ये मैं कान को हाथ लगा के बोलती हूँ, जो आपको एंजॉयमेंट हो रही है मेरी वजह से या जो भी, ये सब एक परमात्मा का स्वरूप है। बट मैं बोल पा रही हूँ, आप रिएक्शन करते हो, आपके कान चल रहे हैं, आपकी आंख दिख रही है, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। फिर आप ऐसा नहीं, आप पॉटी में बैठ के भगवान का नाम नहीं ले सकते हो। तो मरने के टाइम पे तो सबकी पॉटी निकल जाती है, फिर भी क्यों बोलते हैं राम राम बोलो? ऐसा सब वहम छोड़ देने का।